नमस्कार दैनिक चिंतक, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको आतंकी संगठनों उनके मंसूबों को कुचलने की पूरी आज़ादी है। एसजी मनोज सिन्हा ने कहा। डे डीजीपी अनिल प्रभात, जिन्होंने हाल ही में नए डीजीपी का कार्यभार संभाला है, उनने कहा है कि आपको पूरी आज़ादी है कि आतंकवादी संगठनों के मंसूबों को कुचलने के लिए, क्योंकि बताना चाहेंगे कि श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट से 12 लोग जो कि घायल हुए थे, उसी पर उमर अब्दुल्ला भी बोले, हमलों से परेशान हूँ। कल यही सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। बताना चाहिए श्रीनगर में पिछले 2 साल में ये 2 दिन में लगातार दूसरी आतंकी वारदात है। 2 नवंबर को खान्यार इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया था। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए थे। बताना चाहेंगे शनिवार को अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 कायर आतंकियों को ढेर कर दिया था। एक की पहचान जाहिद राशिद के रूप में हुई थी, वहीं दूसरा अरबाज अहमद मीर था। दोनों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। उसी के चलते लगातार हालातों को देखते हुए एसजी मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर के नए जो डीजीपी अनिल प्रभात को साफ तौर पर कहा है कि आपको आतंकी संगठनों उनकी इस मंसूबों को कुचलने की पूरी आज़ादी है, यानी कि फ्रीडम है। एसजी सिन्हा ने एसजीआर ग्रेनेड विस्फोट के बाद डीजीपी नलिन प्रभात से कहा। बताना चाहेंगे नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं पर बताएंगे उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ग्रेनेड हमले पर डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। एसजी मनोज सिन्हा ने कहा, सुरक्षा अधिकारियों को आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को दंडित करने के लिए प्रभावी और सशक्त प्रक्रिया देने का निर्देश भी दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों तत्वों को उनके नापाक मंसूबों में सफल नहीं होने देने का सरकार से संकल्प की पुष्टि भी की है। हमारे नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को अपने कार्यों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। उपराज्यपाल के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, आपको आतंकी संगठनों को कुचलने पर इस मिशन को, यानी कुचलने के लिए इस मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी आजादी है। वहीं पर उपराज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और निर्देश भी दिया कि जिला प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करेगा। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से ये कायर आतंकी जो अपना फल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के चलते जिस तरह से संडे मार्केट में, यानी कि इन कायर आतंकियों ने संडे मार्केट में ग्रेनेड विस्फोट किया, जिसमें लगभग 12 लोग जो कि घायल हो गए थे। और ये भी बताया जा रहा, जो सूत्रों के आधार पर खबर आई थी हमारे पास, से लगभग घायलों को 25,000 रुपया मुआवजा भी दिया गया है। शुक्र है भगवान का, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर लगातार ये कायर आतंकी फिर से अपना फन फैलाने का प्रयास करेंगे। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था, हो सकता है इस सरकार को सक्षम करने के लिए इस तरह के, यानी घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है किसी एजेंसी को निर्देश दिए गए हों इस तरह के कार्य करने के लिए। बहुत बड़े सवालों को ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन यानी रिजल्ट से पहले, सरकार बनने से पहले इस तरह से इन आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि सरकार बनने के तुरंत बाद इस तरह की वृद्धि हुई है, जो बड़े सवालों को खड़ा करती है। जानबूझ कर या किए जा रहा है, आखिर इसका पता लगाना चाहिए। उन कायर आतंकियों को जिंदा पकड़ना चाहिए और उनसे ये पता लगाना चाहिए कि कौन है इनके पीछे जो इस तरह की कायराना हरकत करवा रहा। पर फिलहाल शुक्र है भगवान का कि उन 12 लोग जो घायल हैं, भगवान करे वो जल्द से, फिलहाल उनकी हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। पर उसी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने नए डीजीपी नलिन प्रभात जी को साफ तौर पर कहा है कि आपको पूरी आज़ादी है इन कायर आतंकवादियों के मंसूबों को कुचलने के लिए। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।